अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 लाख। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से इस्तीफे देकर बाहर आने को अपनी कामयाबी करार दे रही थी, आज उसी कौमी असम्बली में वापस जाने के लिए 100-100 जतन कर रही है। पहले इस्तीफों की मंजूरी पर इसरार कर रही थी, मगर आज तकरार कर रही है कि हमारे इस्तीफे क्यों मंजूर किए। हुकूमत तहरीक इंसाफ को असम्बली में वापसी की दावत देती रही, मिल बैठ कर बातचीत से मसाइल का हल तलाश करने की तरगीब करती रही, मगर तहरीक इंसाफ इस मौके पर डटी हुई थी कि असम्बली में वापस जाना इंपोर्टेड सरकार को मानने के मुतरादिफ होगा। मगर आज वही तहरीक इंसाफ उसी हुकूमत से असम्बलियों में वापसी का रास्ता मांग रही है, मगर हुकूमत तहरीक इंसाफ के लिए हर रोज इस रास्ते को कठिन और दुश्वार गुजार बना रही है। कौमी असम्बली वापसी को लेकर तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज केपी हाउस में हुआ, मगर इससे पेशतर कि इस इजलास से कुछ निकलता, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक मेंबरान ने कौमी असम्बली को असम्बली से ही निकाल बाहर किया। 35 अराकीन ने असम्बली के इस्तीफे मंजूर करके एक और सरप्राइज दे दिया है। तहरीक इंसाफ का वक्त स्पीकर से मुलाकात तो ना कर सका, मगर स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने इस मामले पर अपना मौकिफ जरूर पेश किया। इस पर मुझे सेटिस्फेक्शन होती जा रही थी, मैं आपको फिर आज यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस्तीफा मंजूर करता हूँ तो उससे पहले इस बात को मैं यकीनी बनाता हूँ कि उस शख्स ने अपनी मर्जी और मर्शा के मुताबिक ये काम किया और उस पर कोई दबाव नहीं था। मुझे कई दोस्तों ने फ़ोन करके कहा है कि वो नहीं देना चाहते, ना ही वो आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं दोबारा मास वाइज जनरल इलेक्शन। ये स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब का 17 जनवरी का मौकफ है, जब 35 इस्तीफे मंजूर किए गए थे। आज जब मजीद 35 इस्तीफे मंजूर किए गए हैं तो राजा परवेज अशरफ साहब ये फरमाते हैं कि जब मैं इस्तीफे मंजूर करता हूं तो तब ये शोर मचाते हैं, जब इस्तीफे मंजूर नहीं करता तो तब शोर मचाते हैं। इससे मिलती जुलती बात पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान भी कर चुके हैं कि इनकी जब हुकूमत बनती है तब नाचते हैं, जब हुकूमत गिरती है तो तब भी नाचते हैं। जब बनती है तब भी नाचते हैं और जब गिरती है तब भी नाचते हैं। जब बनती है तब भी कप्तान का विजन है और जब गिरती है तब भी कप्तान का विजन। इस मामले पर पीटीआई वफ ने भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपना गुस्सा कुछ ये कहकर निकाला है कि आज स्पीकर ने अपने अमल से साबित किया कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं है, उनके कॉलो फेल में तजाद है, ये अवाम का फैसला नहीं चाहते बल्कि अपनी मर्जी मुसलत करना चाहते हैं, जब तक इनके केसेस मौजूद हैं ये सभी को तूल देंगे। हाउस नहीं पार्टिजन है, आज वो अपनी आईनी जिम्मेदारी से उन्होंने फरार अख्तियार किया। हमने फैसला किया आने का, उन्होंने इजलास मौखर कर दिया। हर आईनी जो काम हो सकता है, हर कोशिश बशमूल अपनी हुकूमतों को तोड़ने के, वो करने को तैयार हैं और कर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को जल्द से जल्द एक नए जनरल इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। आज और गुज़श्ता दिनों मंजूर किए गए इस्तीफों से कबल स्पीकर कौमी असम्बली ने जुलाई 2022 में भी पीटीआई के 11 अरकीन कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए थे, जिसमें से कराची से रुकन कौमी असम्बली शकूर शाद ने अदालत में दरख्वास्त दायर करके अपने इस्तीफे की दरख्वास्त वापस ले ली थी। इसी तरह अब तक मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 79 और शेख रशीद का एक इस्तीफा मिलाकर 80 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, जिसके बाद अपोजिशन जमात के अरकान 50 रह गए हैं, जबकि ऐवान में पीटीआई के मनहरफ अरकान के अलावा तकरीबन 30 अरकान ही बाकी बचे हैं। आज वज़ीर आज़म के मौवन खुसूसी अता तारण ने अपने ट्विटर हैंडल पर रद्दअमल देते हुए एक बार फिर अपने मुखालिफीन यानी तहरीक इंसाफ से पूछा कि कैसा लगा सरप्राइज आना है असम्बली में। ये पहला मौका नहीं है कि जब पीटीआई को अपने ही फैसले पर पसपाई का सामना हो, बल्कि इससे पेशतर भी दोस्तों और चाहने वालों के लाख समझाने के बावजूद इमरान खान की अना जिद और हठधर्मी उन्हें नुकसान पहुँचाती रही है। इमरान खान को असम्बली से बाहर आने का कोई फायदा नहीं है, मगर उन्होंने इसे अपनी कामयाबी करार दिया, मगर शायद आज उन्हें इस बात का इदराक हो गया है कि ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि आज भी जब वीडियो लिंक खिताब कर रहे थे तो उसमें नैब तरामीम के ऊपर खास शिकवा को दाते लिए अपने केसेस माफ करवा रहा है, यानी कानून इन्होंने पास किया असेंबली में जिसकी कोई प्रेसिडेंस नहीं है डेमोक्रेसीज में, कि बैठ के इन्होंने एक शिक बाय शिक नैब के अंदर चेंजेस किए हैं जिससे एक एक मिनट से बच गया। अगर आज आप असेंबली में मौजूद होते तो फिर जो नैब तरामीम हो रही है, कानून साजी हो रही है, कम अज कम वहां पर अपना मौकफ तो बयान कर सकते थे। अब यह सवाल यह है कि इमरान खान अब असेंबली में जाने को इतने बेताब क्यों हैं? क्या ये अब भी अपोजिशन लीडर और दीगर अहदे लेने के खां हैं? तहरीक इंसाफ के पास इस पसपाई के बाद उनका अगला लाहमल क्या होगा? बात करेंगे इस वक्त सीनियर रैंक पर्सन तजिया कार सना बुच्चा साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज पीडीएम हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एक और सरप्राइज 35 इस्तीफे मंजूर करके दे दिया है। ये इमरान खान साहब कौमी असम्बली में वापस जाने को इतने बेताब क्यों है? क्योंकि इसी कौमी असम्बली को वो ये कहते थे कि रियाद जाएंगे तो इंपोर्टेड सरकार मरासला सरकार को मानने के मुतरादिफ होगा।
देखिए ना, अगर सिर्फ नैब तरामीम मसला होती तो वो तो नैब तरामीम के पूरा केस लेके सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, जहाँ पे रोज उनकी सुनवाई भी हो रही है, और जिस तरह वो बार बार चोर डाकू वो कहते रहते हैं लोगों को, वो कह भी रहे हैं। असल में तो इनके जो अपने जो खैबर पख्तूनख्वा में जिनके अभी जत्थे खुलने हैं, जिनके काले चट्टे सारे खुलेंगे, वो उस वजह से फवाद चौधरी साहब ने जब ये कहा इंदिया दिया कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन का ओहदा भी चाहते हैं, अपोजिशन लीडर का ओहदा भी चाहते हैं, तो आप समझ जाइए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नूर आलम खान साहब जो पिछले दिनों से सारे खैबर पख्तूनख्वा के जो इनके असेंबली में बैठे हुए लोग हैं, जो उनके केसेस लेके बैठे हुए हैं, जो नैब ने कभी परसू ही नहीं किए थे, और हम सबको पता है कि उसकी वजह क्या थी, तो इमरान खान साहब चाह ये रहे थे कि वो आ जाते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, नूर आलम खान साहब जो उनके सारे कागजात लेके बैठे हुए हैं, जो केसेस लेके बैठे हुए हैं, जो कि ऐन मुमकिन है कि अन करीब खुलेंगे भी, अरेस्ट भी होंगे, और जो वहाँ पर माशाल्लाह से करप्शन का बाजार गर्म रहा उस पर भी सबकी नज़रें जाएंगी। पंजाब के अपने मामलात हैं, तो जाहिर है कि ये तमाम तर चीजें, असल डर तो यही है। नहीं, लेकिन अगर से खतरा है या राजा परवेज जो राजा रियाज हैं, जो अपोजिशन लीडर है इस वक्त कौमी असेंबली में, उनसे भी खतरा महसूस कर रहे हैं? खतरा तो उनको देखें सबसे ज़्यादा तो नूर आलम से ही है ना। इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के पास अगर आपके खैबर पख्तूनख्वा के बहुत मेन लोगों के केसेस हैं, और अगर आपकी अभी करप्शन साफ चली शफाफ चली खुलने वाली है, तो आपको खतरा तो होगा। राजा रियाज बेचारे से उनको क्या खतरा होना है? लेकिन जाहिर है देखें ये सेटअप अगर लाना है तो उस पर राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब जो कायदे ऐवान है उनके दरमियान कंसल्टेशन कैसे हो सकती है? जी जी मैं वहीं मानते नहीं उनको, मैं वहीं आ रही हूँ। मैंने कहा निगरान सेटअप में भी जाहिर है कि हुकूमत चाहती है कि उनकी मर्जी का निगरान हुकूमत बने, जब भी बने उसके लिए भी राह हमवार इमरान खान साहब चाहते थे कि हो जाए, और वो नहीं हुई, तो दोनों से खतरा है। उनको जो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा, पहले उन्होंने ये सब चीज़ें सोची नहीं, अब सोच ली हैं तो वो कहते हैं कि बस मैंने सोच लिया, तो वापस आने देते, शायद लाल कालीन बिछाते, कोई फूल निछावर करते और उनको वेलकम बैक करते, वो हुआ नहीं। और ये जाहिर है कि बदनीयती हुकूमत की तरफ से भी नज़र आ रही है, क्योंकि उनको पता है अगर शहबाज शरीफ साहब को आ जाए एतमाद का वोट लेना पड़ जाता है, तो मुश्किल होगा उनके लिए वो नंबर्स पूरा करना अगर उन्होंने इस्तीफे मंजूर नहीं किया। अब ये 35 का जो फिगर है ये पता नहीं क्यों है, 35 पंचर निकला है, क्योंकि 35 करके ये क्यों इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं? मतलब पहले 11 हुए, फिर 35 हुए, फिर 35 हुए, अब जितने रह गए हैं वो कर ले मंजूर। लेकिन मेरा ख्याल है इनकी अपनी जो बात थी कि हमने एक एक को इंडिविजुअली देखना है, एक एक से पूछना है, इन्होंने अपनी ही बात की नफी कर दी है ना। आप तो ये सब इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं, तो ये तो आप नहीं कह सकते कि दोनों तरफ माशाल्लाह से नीयतें साफ हैं, नीयत तो दोनों ही तरफ अपने अपने मफादात है, दोनों तरफ डेडलॉक तो है। लेकिन जैसे जो 35 वाली बात है, राणा सनाउल्ला साहब ने कल लंदन में ये बात की, एक साफियों से बात करते हुए कहा कि भाई 35 पे इलेक्शन क्या लड़ना है, हम पटा खोल रहे हैं मजीद 35 पे भी लड़े, यानी 70 पे जाके इलेक्शन लड़े, तो लगता ये है कि काफी ये सिंबॉलिक है कि 35 पे आप शोर मचा रहे हैं, मजीद 35 कर लेते हैं। दूसरी बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो केयर टेकर सेटअप से मुतालिक है, और वो ये कि इनको कैसे इस बात का क्या यकीन है कि वाकई अप्रैल में इंतखाबात होने हैं, असेंबली में जाएंगे तो किसी ने श्योरिटी दी है कि जाइए इंतखाबात आप अप्रैल में करा लेते हैं? मेरा ये ख्याल है कि ये तासुर दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत चल रही है, या कोई ऐसे लोग या हलके या जो मुक्तदर हलके हैं वो बैठ के बात कर रहे हैं कोई, और ये उनको गारंटी दी जा रही है। मेरा नहीं ख्याल इस बात में कोई सच्चाई है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जाहिर है इस मुल्क में जो डिस्ट्रप्शन वो चाहते हैं और जो वो अचीव कर रहे हैं पिछले 8 माह से, वो मज़ीद उसको फोकियत देना चाहते हैं। फिर जाहिर है कि मरता क्या ना करता, इलेक्शन तो करवाने ही पड़ जाएंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ऐसा मुमकिन हो नहीं सकेगा, क्योंकि आज भी एहसन इकबाल साहब कहते थे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये बात हो चुकी है कि नेक्स्ट इलेक्शन जो 2023 के इलेक्शन हैं वो नई मर्दमशुमारी पे होने हैं। अब ये लिखा हुआ है, मतलब ये अग्री किया हुआ है आपने, और अब आपको ये नए जो है नया सेंसस भी कराना है, फिर आपको इलेक्शन कमीशन को 4 माह हल्का बंदियों के भी देने हैं, तो ये अगस्त तक का तब मामला चलेगा। अगर तो इन्होंने और कोई मजीद डिस्ट्रप्शन नहीं की, लेकिन देखें आपको इस्लामाबाद में आवाज़ें आ रही हैं इमरजेंसी भी नाफिज हो सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज हो सकती है, ये जो हम बार बार सुन रहे हैं कि कोई सेटअप आ सकता है टेक्नोक्रेट हुकूमत की उस पे तर्ज पे, तो ये सब चीज़ें मुमकिन हैं। लेकिन इंतखाबात मुझे खैर अप्रैल में नहीं दिखाई दे रहे, मुझे और बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इंतखाबात उनमें से एक नहीं है। अच्छा देखिए, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि हम असम्बली में जा रहे हैं तो इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं, कुछ डर है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि आपको तो हम पहले ही कहते थे आप नेशनल असम्बली में वापस आए, लेकिन आप नहीं आए, आप अपनी मर्जी करके आए, आपने दोनों सूबाई असम्बलियाँ डिजॉल्व कर दी, हम आपको कह रहे थे कि ये असम्बलियों की तहलील ना करें, इनको अपनी मुद्दत पूरी करने दें, लेकिन आपने अपनी मर्जी की है, अपनी अना की तस्कीन की है, तो अब हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं, तो क्या इस पर हुकूमत हक बजाने पर कि आपने तो ऑलरेडी बहुत टाइम ज़ाया कर दिया?
हक बजानब होने में मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें कोई ब्राउनी पॉइंट्स देने की जरूरत है कि वो सही कह रहे हैं या आया उन्होंने वक्त वक्त बदल दिया या तब्दील कर दिया। लेकिन जाहिर है इमरान खान साहब ने जो दो असेंबलियां तहलील की हैं उनके कुछ रेपरकशंस हैं, उनके कोई कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिनको वो बैटल करने के लिए जाना चाहते थे नेशनल असेंबली में। उन्होंने सोचा कि अब ये दो मैंने अपना अपने पैर पर कुल्हाड़ी जो मार लिया या कुल्हाड़ी पर जंप मार ली है, अब इसको जाके थोड़ा सा जख्म हल्का करते हैं, तो वो हो नहीं सका। तो मेरा ख्याल है जो इमरान खान साहब का प्लान था डिसरप्शन का और उसका डिसरप्शन के बाद वो जो क्राइसिस मैनेजमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट करना चाह रहे थे वो हो नहीं पा रही। तो अब ये भी हाथ से गया, वो भी हाथ से गया, तो अब इमरान खान साहब जाहिर है दोनों हाथ ऊपर उठा के यही आपको कह रहे हैं कि इलेक्शंस कराएं, तो आप कराएं। देखिए इलेक्शंस तो जैसे आपने कहा कि आपको जल्द होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, वो तो अपने वक्त पर ही होंगे। आज एक और खबर भी गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब को पार्टी का पैटर्न इन चीफ बनाने का फैसला किया गया है। तो आपको लगता है कि दोनों तरफ से जो शेल्टर्स, पंजाब से भी शेल्टर छिन गया, केपी से भी शेल्टर छिन गया, नेशनल असेंबली में वापस जाने का कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा, ऑल दो आप अपील कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब की जो नाहली है वो भी नविश्ता दीवार है, इसलिए वो कहते हैं कि पार्टी का पैटर्न इन चीफ बनाते हैं? आप इनके दौरा मैार इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि देखिए ना, आप निगरान जो सेटअप का मामला चल रहा है पंजाब का, उसमें परवेज़ इलाही साहब ने ना सिर्फ ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मतलब अभी मामला गया नहीं है इलेक्शन कमीशन, लेकिन उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन अगर मामला गया और इलेक्शन कमीशन तो रोज़ इन पर केसेज बना रहा है तो हम तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे उस फैसले के खिलाफ। भाई अल्लाह के वास्ते, सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आ गई, हर बार आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अच्छा जी, गैर आइनी इकदाम करें हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। उन्होंने कहा हम जो भी ये वजीर आला नामजद करेंगे इलेक्शन कमीशन से, जो नाम आएगा, इन्होंने अखज लिया कि वो नाम इनकी मर्जी का नहीं होगा, तो हम उसको चलने नहीं देंगे। अभी आपको पता नहीं है कौन आ रहा है, हो सकता है आप ही का नाम आए, इलेक्शन कमीशन आप ही का नाम देते तो आप उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, आप उसको भी नहीं चलने देंगे। मतलब ये बातें ऐसे करते हैं क्योंकि इनको भी पता है कि इनके साथ होना है। इसमें कथा कलाम के माजरे मुझे सिर्फ ऐड करने दें कि परवेज इलाही साहब शायद आईन और कानून से भी नाबालिग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो फैसला करता है, आपको पूरा मौका दिया गया, दोनों को कायदेवान और अपोजिशन लीडर को आप नहीं कर सके, पार्लियामानी कमेटी भी नहीं कर सकी, इलेक्शन कमीशन जो फैसला करता है वो फैसला हतमी होता है और उसको कहीं पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। हसन अस्करी साहब के मामले में चैलेंज करने की कोशिश की गई थी, फायदा फूदा कोई नहीं हुआ था, तो शायद ये आईन और कानून से भी नाबलद है कि उसको चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं होगा। देखें, अगर उनकी गुफ्तगु सिर्फ इमरान खान साहब को खुश करने के लिए है तो फिर तो वो आईन और कानून से ही बालातर रहेंगे ना, क्योंकि जाहिर है कानून और आईन में रह के बात करेंगे तो इमरान खान साहब की मर्जी की बात कैसे होगी। मतलब रेहान, ये तो सोचने वाली बात है ना, मतलब अगर आपने इमरान खान साहब के मंजूर नजर रहना है तो आपको आईनी और कानूनी बात तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वो तो नहीं मानते इसको। आप ये देखिए, इलेक्शन कमीशन को जो नहीं मानता, वो कह रहे हैं कि जी वो फैसला नहीं कर सकते, इसके लिए उन्होंने सिंध हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया, पंजाब चले गए, मतलब आपने लाहौर हाईकोर्ट का खटखटा लिया, आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लेकर चले गए। आपने ऐसी की है कि इमरान खान साहब को प्लीज करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, शायद इनको यह भी नहीं पता है कि इमरान खान को जिसने खुश किया है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके किया, जहांगीर तरीन ने अपनी जितनी जमा पूंजी थी शायद वो इमरान खान पर निछावर कर दी, अलीम खान ने क्या क्या नहीं किया, फौजिया कसूरी ने क्या क्या नहीं किया, अकबर एस बाबर आपके बानी रहनुमा थे, जस्टिस रेड वजीउद्दीन, मतलब कितने लोग हैं, उन्होंने प्लीज करके देखा। इमरान खान तो मोहसिन कुश है, क्या यह भी चौधरी परवेज इलाही साहब को अभी इस बात का इदराक नहीं हुआ? नहीं, चौधरी परवेज इलाही साहब उनमें नहीं शुमार होते जिन्होंने अनकंडीशनली इमरान खान साहब को दिया और उनके एक एक मोटो को, एक विजन को आगे बढ़ाने के लिए किया। मेरा ख्याल है कि वो नेक नियत लोग थे। परवेज इलाही साहब को मैं नेक नियत तो नहीं कहूँगी, वो भी अपने मफाद के लिए इनके साथ हैं, दूसरे भी उनके मफाद के इनके साथ हैं। अगर कोई इसमें कोई अनकंडीशनल चीज़ होती तो फिर आप शिकायत कर सकते थे, लेकिन मेरा ख्याल है अकबर एस बाबर और जहांगीर तरीन साहब ने इमरान खान साहब की एक विजन को, एक ऑनेस्ट पाकिस्तानी होने की विजन को, एक नया पाकिस्तान बनाने की विजन को सपोर्ट किया था, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि परवेज इलाही साहब वो कर रहे हैं। वो अपने आप को बचा रहे हैं, वो अपना अपना अब सब कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कहीं पे भी उनको कंपेयर किया जा सकता है। तो मोहसिन तो वो ऐसे भी नहीं है, वो एहसन तरीके से मोहसिन बनने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि वो मोहसिन नहीं है ना। इमरान खान साहब को भी पता है और उनको भी पता है, जो दिल में एक दूसरे के लिए बातें हैं वो कहीं ना कहीं तो आपको दिखाई देती हैं, सुनाई भी देती हैं। मत भूलिए वो पैम्पर्स वाली बात, मत भूलिए कि बाजवा साहब के लिए उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। मतलब जिस आदमी को वो अपना अजली दुश्मन समझते इमरान खान साहब, वो उनकी साइड लेते हैं, तो जब मतलब मयार ही यहां पर नहीं है ना। मैं कह रही हूं अब जी जी, वो तो बहुत कुछ समझते हैं, बस छोड़ दीजिए, अब मैं क्या कहलवाएंगे आप मुझसे। लेकिन मैं कह रही हूँ, जो मैं आपको इलेक्शन कमीशन वाला मामला कह रही थी कि देखिए ये बात मत भूलिए कि वो जो इलेक्शन कमीशन का जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला है, जिसमें ये 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं, इन्होंने इसकी पटिशन जो है इस्लामाबाद, सिंध, कराची हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट, सब जगह इन्होंने करा लिया, और इनको फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है और वो हक रखती है कि वो अपना तौहीन इलेक्शन कमीशन का फैसला दे सकती है। तो अब इमरान खान साहब को एक तो ये डर है, फिर टेरियन का केस भी
है। तो अब आप ये मत सोचिए कि सिर्फ इंतखाबात ही होंगे, आप ये भी देखिए कि अगर वो नाअहल हो गए तो फिर इंतखाबात कौन लड़ेगा? वो 35 और 70 पे असद उमर साहब लड़ेंगे और सदर बना रहे हैं परवेज इलाही साहब को, तो मेरा ख्याल है बाकी तो सब चने भुनने आए थे यहाँ पे, तो शाम महमूद कुरैशी साहब, मेरा ख्याल है अब तमाम तर लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि सेकंड इन कमांड कौन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसका इंतजार दोनों तरफ से किया जा रहा है, यहाँ वहां से इंतजार है, उम्मीद है लंदन वालों को भी कि कोई ना अहली का मामला आ जाए, लेकिन जाहिर है कि कहीं ना कहीं तो इनको भी लाडला अभी भी समझा जा रहा है। अगर वो लाड थोड़ा सा खत्म हो गया और अगर कोई केस फैसला हो जाता है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी ने फैसला कर लिया है कि इसने मुल्क को चलने नहीं देना, मतलब ये फैसला हो चुका है, अब आप लाख कड़वे घूंट पीजिए, सख्त फैसले कर लीजिए, एक आदमी ने एक अफरा तफरी मचाई हुई है। आप देखिए 2000 पॉइंट्स गिर गया कराची स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ इस बात के बाद कि आपने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली को गिराया, क्योंकि एक अदम इस्तेहकाम आप ही पैदा कर रहे हैं इस मुल्क में, कोई और नहीं पैदा कर रहा, आप ही पैदा कर रहे हैं। और एक आदमी जो इस जिद पर है कि मैंने अदम इस्तेहकाम मनाना है, जब तक मैं नहीं आ जाता पावर में, या तो उसको पावर दे दीजिए या फिर उसको फारिग कर दीजिए, दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। तो आपको इनमें से ज्यादा चांसेस किसके लग रहे हैं? क्योंकि अभी तक आपकी गुफ्तगू से इमरान खान साहब के लिए तो मुझे कोई होप दिखाई नहीं दे रही कि आने वाले दिनों में, जिसको वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि दोनों असेंबलीज देखिए हमने वादे के मुताबिक डिसॉल्व कर दी और मैंने तुरप का पत्ता खेला है और मेरे पास और भी ऐसे कार्ड्स हैं कि शहबाज शरीफ साहब की नींदें हराम हो जाएंगी, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए थे, तो आपको हुकूमत की नींदें हराम होती हुई दिखाई देती हैं फिर, या इमरान खान साहब के पास कोई ऐसा सरप्राइज है आने वाले दिनों? हुकूमत की नींदें तो जी, हुकूमत की नींदें तो जी जब तक जब से हराम है, जब से उन्होंने अदम एतमाद का वोट लेकर आए हैं और उनके तो 14 तबक रोशन हो गए जब देखा उन्होंने फाइनेंशियल मसले कितने हैं और उसके बाद उनको अपनी गलती का एहसास भी हुआ। पार्टी के अंदर इतनी बहस हो रही है कि हम क्यों आए, हमने ये क्यों अपने सर ले लिया, हमारे अपनी पोलिटिकल कॉस्ट हमने खो दी और हमने अपनी पोलिटिकल कॉस्ट कितनी ज़्यादा अदा कर दी है, तो ये तमाम तर मामला तो हुकूमत तो वैसे भी उनको नींद नहीं आती और शहबाज शरीफ साहब को तो आपको पता है वैसे ही नींद नहीं आती, क्योंकि ये सोच के कि आवाम कितनी महंगाई का सामना है उनको, तो मेरा ख्याल है उनकी नींदें हराम करने की इमरान खान साहब को जरूरत नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब की अपनी जो नींद उड़ने वाली है और मेरा ख्याल है वो जल्द उड़ेगी, क्योंकि जो मुझे इस वक्त रिलीफ नजर आ रहा है वो इस जरूर इस बात का पेश खेमा है, इलेक्शन कमीशन ने भी जिस तरह से थोड़ा सा कल साथ उनके जो सीटें थी उनका भी उनको दे दिया, बायोमेट्रिक वाले मामले में आप देख लीजिए, जो उनको टेरियन वाले मामले में थोड़ा सा रिलीफ मिला है, मुझे ये लग रहा है रिलीफ मिलते 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 कहीं ना कहीं तो जाना है। और देखिए टेरियन वाला मामला इसलिए भी अहम है कि अब उसमें दो एफिडेविट आ गए, एक जमायमा का और एक इमरान खान साहब का, तो जाहिर है केस में वेटेज तो है, इसलिए वेटेज है तभी आपने सलमान अकरम राजा जैसे वकील को भी आपने एंगेज कर लिया, आपने दो वकील लगा लिए हैं अब वहां पे, यू नो आपके अली जफर साहब भी हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी हैं, तो जाहिर है खतरात तो आप खतरात में कह रही हूं खतरात तो है, अब देखते हैं खतरा किसके लिए जल्द टलता है या देर टलता है। लेकिन देखिए ना, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई केस हम प्रूव कर दें और ये कोई कानूनी गैर कानूनी काम है, ये कानूनी मामला है, उन्होंने बदअहदी की है, उन्होंने बदनीयति दिखाई है, उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने अपने असासे जात में जाहिर है फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी उनके पर मामलात हैं, वो केस भी चल रहा है, तो लेट्स सी किधर जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के चारों शाने इस वक्त हो गए चित और अब उनको समझ नहीं आ रही, लेकिन आई होप कि जल्द आ जाए इससे पहले कि उनके लिए भी बहुत देर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर अबुचा साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर एंकर पर्सन तजिया अबुचा साहब हमारे साथ मौजूद थी। इमरान खान साहब पर नाहली की तलवार तो लटक रही है और नाहली ऐसे है जैसे नवेश्ता दीवार है और शायद इसी वजह से आज पार्टी के अंदर भी जरा ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ का पैटर्न इन चीफ बनाने की बात हो रही है। उसी तरह से जैसे नवाज शरीफ साहब को पार्टी का ताहियात कायद बनाया गया, नाहली हो जाएगी तो यकीनन पार्टी के चेयरमैन तो नहीं रह सकते। लेकिन सवाल बड़ा सादा सा है और वो सवाल ये है कि जिन हलकों में इमरान खान साहब तने तनहा लड़ रहे हैं, कभी 35 हलकों में लड़ने की बात करते हैं, कभी 8-9 हलकों में लड़ते हैं, फिर 70 हलके हो जाएंगे, तो इस पर क्या इमरान खान लड़ेंगे? इमरान खान तो नाहल हो जाएंगे तो इमरान खान की जगह पर कौन होगा? फिर पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या तिनका बिखर जाएगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी एक ब्रेक ले रही है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पंजाब में निगरान वजीर आला का मामला है और इस मामले को लेकर आज पार्लियामानी कमेटी में भी डेडलॉक पैदा हो गया है, क्या इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब की सियासी बिसात पर नए निगरान वजीर आला का इंतखाब हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए चैलेंज बना हुआ है। दोनों जानिब से दिए गए 3-3 नामों पर इतफाक ना होने पर कायदे एवाद और कायदे इज़्बे इख्तलाफ के माबैन इतफाक राय ना होने के बाद पार्लियामानी कमेटी में भी डेडलॉक बरकरार है, जिसके बाद यह तासुर और भी गहरा हो गया है कि पंजाब में निगरान वजीर आला का इंतखाब इलेक्शन कमीशन ही करेगा।
आज पार्लियामानी कमेटी इजलास में भी कुछ खास पेशरफ नहीं हुई, क्योंकि इस इजलास के बाद पीटीआई रहनुमाओं मियां असलम इकबाल और राजा बिशारत ने मीडिया टॉक करते हुए बताया कि उनके नाम पर ने कोई गौर नहीं किया, इसलिए अब ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास ही जाएगा। कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसाइड करे, और मैं तवक्को करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से चारों जो उम्मीदवार हैं उनके क्रेडेंशियल्स को सामने रखें और फिर फैसला करें, ताकि कौम को पता चल सके प्रश्न क्या है और कौन लोग डिजर्व करते थे और कौन सा बंदा बेहतर तौर पर इस सूबे को बतौर केयर टेकर चला सकता था। हम अपनी पसंद नापसंद से अलहदा करके अपने आप को अपने सूबे को उन बंदों के हवाले करना चाह रहे हैं जो हम समझते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है एक क्लास है जिसके अंदर वो सर्व कर रहे हैं, बल्कि बाकी दूसरे भी तबका है फिक्र के जो लोग हैं उनके अंदर भी उनकी क्रेडिबिलिटी है, तो उन लोगों को हम लेकर आए ताकि सूबे को बेहतर अंदाज में चलाया जा सके। दूसरी तरफ नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान ने भी कुछ ऐसे ही तासुरात का इजहार करते हुए बताया कि बदकिस्मती से मामला पार्लियामानी कमेटी में हल नहीं हो सका, जिसके बाद ये मामला अब इलेक्शन कमीशन के सपुर्द किया जा रहा है। वही दो नॉमिनीज रखे जो दिए थे, इन्होंने एक चेंज कर दिए, उसमें इन्होंने नवीद अकरम चीमा साहब का नाम दे दिया। अब वो आ गए मैटर कमेटी के पास, कमेटी डिलीबरेट करेगी, अगर इस कमेटी में कोई कंसेंसस अचीव हो जाता है तो मामला यही खत्म हो जाएगा, अगर अचीव नहीं होता तो तीसरी स्टेज इसकी है, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, वहां पर फिर यही दो नाम है जो दो उनकी तरफ से हैं और जो दो हमारी तरफ से हैं। हमने तो अपनी हतलवसा कोशिश की कि कोई पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट आ जाए। अब बदकिस्मती से जो नॉमिनेशंस थी उनकी वो सारी इनएलिजिबल थी। अब इनएलिजिबल नॉमिनेशंस पे कैसे हम कह सकें कि हम इत्तफाक करते हैं? वन नॉमिनी वाज फ्रॉम एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अब दोनों जानिब से दिए गए नामों में किसी एक के नाम का चुनाव इलेक्शन कमीशन का इख्तियार, और इलेक्शन कमीशन का फैसला हतमी होगा जिसे अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। आज हम आपको बताते हैं कि पार्लियामानी कमेटी के सामने रखे जाने वाले चारों नाम कौन से हैं और उनके क्रेडिट पर क्या है क्या है। तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया गया पहला नाम सरदार अहमद नवाज सुखेरा का है। सरदार अहमद नवाज सुखेरा काबीना डिवीजन के सेक्रेटरी हैं, इस वक्त हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट हैं। उनका नाम देते वक्त पीटीआई ने मौकिफ अपनाया कि सुखेरा चूंकि 31 जनवरी तक कोहते से रिटायर हो रहे हैं, इसलिए वो किसी भी वक्त रिटायरमेंट लेकर निगरान वजीर आला बन सकते हैं। लेकिन आईन में वाज़ेह हिदायत मौजूद है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक कोई भी हुकूमती ओहदा नहीं ले सकता। उन्होंने सिविल सर्विस 1985 में ज्वाइन की थी। 15 अप्रैल 2020 को कैबिनेट डिवीजन के सेक्रेटरी मुकर्रर होने से कबल वो तजारत, टेक्सटाइल, इतलात, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन बतौर वफाकी सेक्रेटरी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। 14 अगस्त 2022 को उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा हिलाल इम्तियाज से नवाजा था। अहमद नवाज सुखेरा की कुछ ऐसी सलाहियतों के बारे में पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में सीनियर साफी राना बरार खालिद ने भी कुछ इंकशाफात किए थे और बताया था कि अहमद नवाज सुखेरा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्यों नवाजा जा रहा है। तहरीक इंसाफ की जानिब से दूसरा नाम नवीद अकरम चीमा भी कौमी क्रिकेट टीम के मैनेजर रह चुके हैं। ये अपने दौर के कामयाब तरीन मैनेजर में से एक जाने जाते हैं। नवीद अकरम चीमा चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ओहदे पर भी खदमात अंजाम दे चुके हैं, वो सेक्रेटरी हाउसिंग भी रह चुके हैं। निगरान वजीर आला के लिए सबसे फेवरेट और गैर मुतनाज़ नाम सैयद मोहसिन रजा नकवी का है। सैयद मोहसिन रजा नकवी लाहौर में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम क्रेसेंट मॉडल हाई स्कूल से हासिल की, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ज़ेर तालीम रहे, आला तालीम के लिए अमरीका चले गए, मियामी में क्याम के दौरान चैनल CNN से बतौर रिपोर्टर वाबस्ता हुए। आला तालीम के बाद पाकिस्तान लौटे तो CNN के रीजनल हेड बना दिए गए, और ये भी बात ज़ेर गौर है कि वो यंगेस्ट प्रोड्यूसर थे एट दी एज ऑफ 22 परवेज़ मुशरफ के दौर में। वॉरन टेरर के दौरान मोहसिन नकवी ने बतौर रीजनल हेड अपनी जानदार रिपोर्टिंग के जरिए दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इंटरव्यू भी किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहादत से पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो आखिरी कॉल थी वो भी मोहसिन नकवी से थी। 30 साल की उम्र में लोकल मीडिया सिटी न्यूज़ नेटवर्क की 2009 में बुनियाद रखी। अब 6 न्यूज़ चैनल्स और एक अखबार के मालिक हैं। सियासी हलकों में भी बहुत मकबूल हैं। मुल्क की सरकर्दा सियासी शख्सियात से उनके मजबूत ताल्लुकात हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने भी इन नामों में से उनके नाम को बेहतरीन करार दिया, और एक नाम इलेक्शन कमीशन को बतौर निगरान वजीर आला के लिए मुंतखब करना है। और इस दौड़ में सैयद मोहसिन रजा नकवी इसलिए मजबूत उम्मीदवार नजर आते हैं, जब से उनका नाम निगरान वजीर आला के लिए नामजद हुआ है तब से मुल्क के तमाम छोटे बड़े अखबार उनकी दानाई के गुनगा रहे हैं। आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपना इदारिया उनके नाम से मंसूब किया है। वो अपने एडिटोरियल में उनकी सलाहियतों को कुछ यूँ बताते हैं कि सहाफत के सुरखेल मोहसिन रजा नकवी वादी सियासत में सहाफत में भी नौवारद नहीं है, इसलिए नून लीग के उनका नाम वजीर आला पंजाब के लिए तजवीज़ किया है। उनके बारे में सबसे अहम बात यह है कि वो सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखते हैं, उनकी हिकमत अमली के कायल नहीं है। मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों के साथ उनके बेहतर ताल्लुकात हैं। मजीद बड़ा ये कि मीडिया के साथ उनकी वाबस्तगी सूबे में शफाफ और आज़ाद इंतखाबात के इनेकाद के मुतहरब सियासी क़ुव्वतों को अफ़हाम-ओ-तफ़हीम पर मायल करने की इजाफी सलाहियत अदा करती है।
अगर मोहसिन नकवी को मौका मिलता है तो इस हवाले से काबिले सताइश कारकर्दगी के साथ अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होंगे और उनकी कारकर्दगी इस तरह गैर मामूली साबित होगी जिस तरह उन्होंने सहाफत के मैदान में नेक नामी कमाई। सिटी मीडिया ग्रुप के CEO की हैसियत से उनकी कारकर्दगी कौमी और बैन अलावामी सतह पर सहाफती मैदान में उनका तजर्बा उन पर लाजम कर देगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी में आला तरीन दानिश और इखलास का मुजाहरा करते हुए कानून के दायरे में रहते हुए इख्तियारात का इस्तेमाल करें। मुस्लिम लीग नून की तरफ से पेश किया गया दूसरा नाम भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अहद चीमा जो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और मियाँ शहबाज शरीफ की दो वजारत आला के अदवार में मुंतजिम के तौर पर जाने जाते रहे हैं, अपने करीबी दोस्तों और सियासी हलकों में मेट्रो मैन के नाम से भी मशहूर है। उनका ये नाम लाहौर और पंजाब के दूसरे शहरों में मेट्रो बस सर्विस शुरू करने की वजह से पड़ा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने मास्टर्स किया है। PAS यानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 20वें ग्रेड के अफसर रहे जिन्होंने हुकूमत पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव मिल्कियती ऑफिसर के तौर पर खिदमात अंजाम दिए। अपने शोबे में तेज़ी से अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब हुए और 2005 में उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने उन्हें प्रोजेक्ट पढ़ा लिखा पंजाब की निगरानी के लिए मुंतखब किया। तब उनका नाम मशहूर हुआ। आज चीमा को वर्ल्ड बैंक के तावुन से इस प्रोजेक्ट का सुपरवाइज़र नामजद किया गया था। इमरान खान के दौरे हुकूमत में नैब के ज़ेर हिरासत रहे, उन पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगा लेकिन हाल ही में वो इस इल्ज़ाम से बरी हो गए और फिर वज़ीर आज़म के मावन खसूसी के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये चार नाम हैं जिनमें से एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैक करना है निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए, क्योंकि कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ़ और कायदे ऐवान के माबैन कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। पार्लियामानी कमेटी भी आज किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रही है। अब इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है और इलेक्शन कमीशन का फैसला इतनी होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कराची का रुख करेंगे। मेयर कराची की दौड़ कहाँ तक पहुँची है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो अमीर जमात इस्लामी कराची है हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम है। कराची बलदियाती इंतखाबात के बाद उठने वाला वावेला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा और इस वक्त जिन्हें नतीज पर सबसे ज़्यादा तहफ़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी के अमीर कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो रीकाउंट को भी रोकने की दरख्वास्त किए हुए हैं कि जो रीकाउंट हो रहा है इलेक्शन कमीशन में उन्होंने उस पर भी एतराज़ उठा दिए और इलेक्शन कमीशन ने उनकी जो दरख्वास्त है वो 25 जनवरी के लिए मुकर्रर कर दी है। 25 जनवरी तक मेयर कराची कौन होगा ये मामला भी हॉल्ट होता हुआ रुकता हुआ ठहरा हुआ थमा हुआ दिखाई देता है। तो इस वक्त खुद अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कराची बलदियाती इंतखाबात के नतायज पर आपके शदीद तहफुजात हैं, रिकाउंटिंग रोकने की दरख्वास्त आपकी जानिब से की गई, बुनियादी तौर पर लगता है कि पोस्ट पोल प्रोसेस जो है उस पर आपके रिजर्वेशन हैं और आरोज जो है उन पर आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं। आरोज का तल्लु इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो क्या समझा जाए कि बराह रास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कसूरवार है? देखें, तहफुजात तो यकीनन इसलिए हैं कि ओवरऑल तो ये इलेक्शन का पार्ट है, लेकिन सिंध में एक मसला यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अमला ज़ाहिर है कि मुकर्रर किया वो आरोज थे और DROs थे, वो सारे के सारे वो हैं जो हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर हैं और उसके नतीजे में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पैदा हुई हैं। मैं उन सारी तफसीलात में नहीं जाता जो प्री पोल हल्का बंदियों का मामला है या उसके बाद के मराहिल हैं, आरोज के तकर्रुर हैं और जब नॉमिनेशन हो रही तो उस वक्त हमारी लड़ाइयाँ हैं। हमारा एक एक खत, एक एक शिकायत और एक एक पिटीशन इलेक्शन कमीशन में मौजूद है और मोटी मोटी फाइलें बनी हुई हैं। उसके बाद इलेक्शन के दौरान भी जो शिकायतें हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं और बहुत सारी जगहों पर हमने अपनी तमाम तर जो तरीक़ेकार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को लिखा हुआ है। लेकिन शुरू हुआ मामला 5 बजे के बाद, जो एक अलग मसला था पोस्ट पोल, और उसमें सबसे पहले तो हमें इसके लिए लड़ना पड़ा कि फॉर्म 11 और फॉर्म 12 हमें मिले जो प्रिजाइडिंग अफसर देने के लिए तैयार नहीं थे। उस पर हमने लड़ाई की, जिद्दोजहद की, इलेक्शन कमीशन से बात की और बिल आखिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार नोटिफिकेशन गए और हमें रात गए तक 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक जाकर फॉर्म 11 और फॉर्म 12 मिले। वो भी जाहिर है कि जहां हम जीत गए थे वहां हमने अपनी प्रायोरिटी बनाई तो वहां तो बिल्कुल भी ना रह जाए, और जो बाकी हलके थे वहां भी हमने कोशिश की कि जो है वहां भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल जाएँ। उसके बाद जब फॉर्म 11 और 12 मिल गए तो फिर आरोज ने नतीजे बदलना शुरू कर दिया, उसके लिए लड़ाई शुरू हो गई, उसके लिए धरने शुरू हो गए। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने बाज़ हलकों को कहा कि हम उसकी हेयरिंग खुद करेंगे और 25 जनवरी अब उसके लिए तय हुई है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस बहुत तकलीफ देह है। जब इस सब चीज़ों से जो है वो फारिग हुए तो हम समझ रहे थे कि चलें अब तो हमारी अक्सरियत रिजल्ट आ ही जाएगा, तो पता चला रिकाउंटिंग के नाम पर हुकूमत सिंध ने, पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी जगहों पर आरोज के साथ मिलकर गड़बड़ करना शुरू कर दी। जाहिर है ये चीज़ इंतहाई तकलीफ देह भी थी और बहुत खौफनाक भी कि एक वाज़ अक्सरियत हमें हासिल हुई है, पूरे शहर ने हमें सपोर्ट किया है, वाज़े तौर पर
लोगों ने अपने आंखों से देखा है कि लोग किस तरह से जमात इस्लामी को वोट कास्ट कर रहे थे, नंबर हमारे आ गए सारी धांधलियों के बावजूद आ गए, तो अब आप जब नंबर आ गए तो उस नंबर को बदलने की सबको जैसे आप फरमा रहे हैं, अगर आपकी नशस्तें 95 हो जाती हैं, अक्सरियती जमात तो जमात इस्लामी बन जाएगी लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फिर भी नहीं होगी, आपको किसी ना किसी से हाथ मिलाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, कंसल्टेशन करनी पड़ेगी अगले मरहले के लिए जो मेयर का मामला है, तो इस हवाले से आपने अपनी स्ट्रैटेजी वजह कर ली है क्योंकि पीपल्स पार्टी का वक्त भी आपके यहाँ आया था। देखें, हमारी पहली स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर हमारे यहाँ कंसेंसस है हमारी पार्टी में, हमारे कराची की जो पूरी लीडरशिप है उसमें भी, और जो हमारे हमने अपनी सेंट्रल लीडरशिप से भी इसमें रहनुमाई हासिल की है, तो उसमें तो ये बात वाज़े है कि पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि जमात इस्लामी का मेयर तो बनना ही है हर सूरत में। हम ये चाहते हैं कि कन्फ्रंटेशन ना हो और कंसेंसस मेयर हो। हम दोनों, ज़ाहिर है कि दो ही पार्टियाँ, एक पीपल्स पार्टी और एक PTI, अगरचे के ज़ाहिर है कि दोनों के दरमियान एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ मौजूद है, इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन जमात इस्लामी पर दोनों को एतराज़ नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने भी जब ये आया रिजल्ट तो उन्होंने हमारे मैंडेट को तस्लीम भी किया, हमारी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान भी किया। वो इक्का दुक्का कोई आदमी अगर अपने तौर पर बयान दे तो अलग बात है, लेकिन जो इनकी लीडरशिप है उसने इसको एक्सेप्ट भी किया है और इसके नतीजे में एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप हमारी पहले भी थी और अब भी है, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनकरीब मुलाकात भी कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ भी और पीपल्स पार्टी भी जमात इस्लामी के मेयर को सपोर्ट कर दे, तो कराची के लिए बहुत अच्छा है और इसके नतीजे में नेचुरली पीपल्स पार्टी तो ऐलान कर चुकी है कि PTI से वो हाथ नहीं मिलाएंगे, जमात इस्लामी उनको काबिले कबूल है, ये तो सईद गनी साहब या मुराद अली शाह साहब, उनके साथ आपकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी हुई है, तो अभी तक आपकी मरकजी क्यादत या मकामी क्यादत क्या मशवरा दे रही है आपको, नेचुरल इंक्लिनेशन आपको किस तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है? देखें, सीधी बात यह है कि ये कंसेंसस हो जाएगा तो सबका ही भला हो जाएगा, फिर कोई मसला ही नहीं है, कराची के 3.5 करोड़ लोगों का भला हो जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए फिर हमारे फोरम्स हैं, जाहिर है कि हमारी जो कराची जमात इस्लामी की शूरा है वही इस पर इख्तियार रखती है कि वो सारा फैसला करे, और इंशाल्लाह हम अमीर जमात मोहतरम आज तशरीफ भी लाए हुए हैं सिराजुल हक साहब, उनसे भी रहनुमाई हासिल करेंगे और फिर हतमी तौर पर फैसला करेंगे। लेकिन तो आपको नहीं दिखाई देता कि पीपल्स पार्टी क्योंकि सूबे में है, एम्पावर्ड है, अगर उनके साथ हाथ मिला लेंगे तो कराची के काम करना भी आसान हो जाएगा? देखिए, हाथ तो हम वैसे भी मिलाते रहते हैं, कल भी मिलाया था, मुआनका भी करते हैं, हंसी मजाक भी कर लेते हैं, लेकिन असल बात यह होती है कि देखिए, प्रिंसिपल्स तो नहीं छोड़ सकते ना, नतीजे से तो विड्रॉ नहीं कर सकते, हमारी नंबर वन पार्टी की हैसियत वो तस्लीम करें जो कि एक्चुअली है, नंबर एक। नंबर दो बात यह कि हम ये चाहेंगे कि फिर वो भी फ्लेक्सिबल सिर्फ हमारे मामले में नहीं हो, तहरीक इंसाफ के मामले में भी हो, और तहरीक इंसाफ भी फ्लेक्सिबल सिर्फ हमारे मामले में ना हो, कराची के मामले में हम सब कोई ऐसी चीज हासिल कर लें जिसके नतीजे में सबका भला हो। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज दईबुर रहमान साहब, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, अब तक रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।